था चौराड़ी चारणी मु छतरी राठोड़ नौ रोजा नारी चढ़े कुल ने लागे कोड। हे राजल उदाई वार चढ़ जे, हे राजल उदाई वार चढ़ जे, हे राजल उदाई वार चढ़ जे। आ भारतरी भूमि देवभूमि कहजे। इन पवित्र भूमि माते भगवान रा 24 अवतार हुआ है। असुरी शक्ति रो पापो काटने वास्ते देवी जगदम्बा कई अवतार लिया। देवी श्री माँ करणी रे ज्योतिर्लिंग होने रे 10 महीना बाद गुजरात रे कच्छ भुज में चरावड़ा गांव रे महीने उदाजी चारण रे घरे देवी श्री राजलबाई रो जन्म हुयो तो। एक बार री बात है, बीकानेर रा राजा राय सिंह जी रे छोटा भाई ददरेवारा ठाकुर पृथ्वी सिंह जी राठौड़ द्वारका जावता, जने उणोरी सेना चरावड़ा गांव रे खने आई जिते रात उगी थी। इन वास्ते उठेज रुकनो विचार कर लियो। पृथ्वीराज सिंह जी पाड़ेज उदाजी चारण रे घरे सो दूध लाने सेना वास्ते खीर बनावनो हुकम दियो। जने सैनिक उदाजी रे घरे गया, जने देवी श्री राजलबाई गायों ने दूध आवता। सैनिक बोलिया कि मने 5 तबेला दूध जोईजे, थोरे होवे जका रुपया ले लेजो। उन टाइम देवी राजलबाई उन्होंने एक ही गाय रे 5 तबेला दूध निकालने दियो और पाया भी नहीं लिया। सब हैरान होगा कि एक ही गाय रे इतो दूध किकर निकल सके। जने वे सैनिक जाने बात पृथ्वीराज सिंह जी ने कही, जने वे मन ही मन देवी राजलबाई सो मिलनो विचार कर लियो। हमें सुबह जिन टाइम सेना आगे बढ़नी तैयारी करती उन टाइम पृथ्वीराज सिंह जी राठौड़ रो 900 घोड़ो छूट गो, मतलब खत्म हो गो। राजलबाई आपरे सहेलियों रे हाथे उठे हूँ जावता होता और पृथ्वीराज सिंह जी रे खने पू गया। जन पूछियो कि सब जिना इन घोड़े रे ओली दोली के कर फिर आओ। उन टाइम एक जिनो बोलियो कि आज सुबह घोड़ो खत्म हो गो। देवी श्री राजलबाई बोलिया कि ओ घोड़ो तो हुतो है और हाथ फेर दो ही घोड़ो बैठो हो गो। जने पृथ्वीराज सिंह जी उनोरा पग पकड़िया और आशीर्वाद लियो। पृथ्वीराज सिंह जी राठौड़ देवी रा बहुत बड़ा भक्त होता और कवि भी होता। देवी श्री राजलबाई ठाकर साहब ने आशीर्वाद दियो और कहो कि जद भी मारी जरूरत पड़े जने जोत करने मने 3 बार हेलो कर लीजिए। हे राजल उदाई, हे राजल उदाई, हे राजल उदाई, थारे तीजे हेले में ठेठ हाजिर हूँ मैं और हर मुसीबत ने मेट दूँ। पृथ्वीराज सिंह राठौड़ री पत्नी जो जैसलमेर राजा री बेटी और मुगल बादशाह अकबर री पत्नी दोनों सगी बहनों होती। एक बार घरे कोई प्रोग्राम हुयो, जने दोई बहनों बहनों भेली हुई। जद मुगल बादशाह अकबर री पत्नी नाथीबाई पृथ्वीराज राठौड़ री पत्नी चंपा दे ने आपरे भेली भोजन जिमणो गयो, जने चंपा दे मना कर दियो कि थे मुगल बादशाह री पत्नी और मैं एक छोटे से दास री पत्नी, एक साथ खानो किकर खा सकूं। जने नाथीबाई बोलिया कि ये डावड़ी आपे तो सगी बहनों उन गन्ने हूँ तो भेली जीम सकूं। नाथीबाई घना थोरा करिया, जने चंपा दे कहो कि थे एक तुरक रे साथ भोजन करियो, जने थे भी एक तुरक होगा, इन वास्ते मैं थोरे भेली नहीं जीम सकूं, मने माफ कर जो मारी बहन। उन टाइम नाथीबाई ने अनाप्रिय आ गई थी। वा जा ने अकबर ने कहो कि थे हिंदू लुगायो रे नव रोजा लेवो, मतलब कोई भी हिंदू खूबसूरत छोरी ने आपरे हरम में बुलाने उनरो सतीत्व नष्ट कर दे होता वे। जन कह कि मारी एक छोटी बहन अना फूट रही है, उन जड़ी फूट रही कोई पूरे मारवाड़ में नहीं है। जन अकबर पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने पत्नी रे साथ दिल्ली बुलावो भेजियो। पृथ्वीराज राठौड़ एकला दिल्ली आया और आपरी पत्नी ने कहो कि जब तक मैं मारी अंगूठी री निशानी नहीं भेजूँ तो दिल्ली मत आई जे। अकबर आपरा दो दूतियों ने भेजिया चंपा दे ने लेवने खातर, पर वे साथ में जाने वास्ते मना कर दियो। पर बातों ही बातों में कह दियो कि जे ठाकर साहब थोड़े हाथे आपरे अंगूठी री निशानी भेजे तो मैं हालने तैयार हूँ। बोला बलता जीबरी कोनी और कह दियो। आ बात अकबर ने ध्यान पड़ी, जने दूजे ही दिन एक सोनार ने बुलायो
और सेम पृथ्वीराज सिंह जी रे हाथ में पैर उड़ी उड़ी अंगूठी पड़ौनो कयो। और दूजे दिन सोनी जी सेम उड़ी उड़ी अंगूठी लाने अकबर साहब ने दी दी। पचे अकबर आप रहे दूतियों ने वह अंगूठी देने पृथ्वीराज सिंह राठौड़ रहे धर्मपत्नी ने लेवने भेजिया। वे दूतिया जाने वह अंगूठी रानी सा ने दी और कहो कि पृथ्वीराज सिंह जी आपने दिल्ली बुलाया है, हमें तो आलो। रानी सा ने भरोसा तो नहीं हुआ, फिर भी उन अंगूठी ने लेने दिल्ली रवाना हुआ। वे दिल्ली जाने पृथ्वी सिंह जी राठौड़ से मिलिया, जने रानी सा ने देखने पृथ्वीराज सिंह जी रे पगों रेटू जमीन हिरक गई। होचियो आ की कर हो सके। रानी सा जद दूतियों री पूरी बात सुनाई, जन सुनने पृथ्वीराज राठौड़ काफी हैरान होगा और समझगा कि इनमें अकबर री कहीं न तो कहीं चाल है, और उन्हें मन में रानी सारो सतीत्व नष्ट करने रो विचार है, और हमें वे एकला दिल्ली सु निकल भी नहीं सकता। घनी जेज होच विचार करियो, जने राजल माँ याद आया। विचार करियो रे कि माँ कहो तो कि मुसीबत में याद कर जे, इनु मोटी मुसीबत कड़ी वे बड़े। वे माँ रे नौवरी जोत करने माँ ने आवाज लगाई, हे राजल उदाई वार चढ़ जे, हे राजल उदाई वार चढ़ जे, हे राजल उदाई वार चढ़ जे। कित बिकाणो आगरी कित चिड़ियालो देश, पीतल हुंदी साध सुने आई पधारो एत। और तुरंत माँ उठे प्रकट होगा, जोने उठे जोता। पृथ्वीराज सिंह जी राठौड़ माँ ने पूरी बात बताई। राजल माँ बोले कि रानी सारी जगह मैं जाऊँला डोले में बैठ दे, मैं जाऊँला अकबर रे हरम में। आ बात सुनने पृथ्वीराज सिंह जी तुरंत मना कर दियो। माँ ने कहो कि आप चारण हो और मैं राजपूत, आप मारे वास्ते पूजनीय हो और आप उठे जाओ, मैं नहीं होने दूँ। माँ पृथ्वीराज राठौड़ ने बतायो कि वे कोई साधारण महिला नहीं है, साक्षात देवी है वे। अवस भोजी आवसे होए नव रोजो नर मरी, उठे स राजल बीर अम्बा साद आवो समरी, माँ साद आवो समरी। माँ राजल रानी सारी जगह डोले में बैठने हरम में जावे और अकबर बेटो खुश हो जावे। ज्योई तैयार होने डोले रखने जाने पर्दो खुले, माँ राजल अकबर ने पकड़ने गडरे ऊपरे माले में ले जावे और बोले कि देख आज मैं सब नव शक्तियों थारो भक्षण करने आई हूँ। जने अकबर माँ राजल रे पगों में पड़ जावे और कहवे कि मैं थोड़ी गाय हूँ, माफ कर दो मने, आज रे बाद कदे मैं कोई रा नव रोजा नहीं लूंगा। हिंदू धर्म में अगर पग पकड़ने कोई कह दे तो कि मैं थोड़ी गाय हूँ, उन्हें माफ कर देवता। माँ भी अकबर ने माफ कर दियो। इतिहास कहवे कि उन दिन रे बाद अकबर कोई रा भी नव रोजा नहीं लिया। आगरा रे किले रे बारे एक मीना बाजार लगावता, जो वो भी बंद कर दियो। इतिहास रे पन्नो महीनो माँ शक्ति रो और एक अवतार और वीणो रो परचो है। देखो कि किकर मारे उन अवतार री वजह देवी स्वरूपी नारियों रो सतीत्व नष्ट होने बचको तो